गरीब असहाय मानी विभिन्न योजनार खसड़ा प्रस्तुत करता बेले तार वास्तव चित्र कि संपूर्ण ओलटा आम जब कह स्वास्थ्य विभाग कथा राज्य सरकार समस्त गरीबी लोक मान उन्नतमान स्वास्थ्य सेवा जगह देवाई डिंडीमा पिटुला बेले तार नग्न चित्र कि संपूर्ण ओलटा आम बर्तमान पहुँचीचु कटक जिला बांकी बोतलमा गाँव में आपड़ सीधा सब चित्र देखिपे ये जड़े व्यक्ति जी ये बोतलमा गाँव जो लोक बर्तमान रास्तार पड़ी मृत्यु सहित संग्राम करुच दीर्घ सात मास धरी ये पाख सरकारी घर जिते प्रथम पड़ी अर्गस न्यूज आम प्रसारण करूँ कि प्रसारण पर सरपंच कथा कहतु बा जनप्रतिनिधि कथा कहतु बा स्थानीय विधायक कथा कहतु समस्ते जान लापर बांकी प्रशासन कथा कहतु समस्त नजर को आसला ये बांकी प्रशासन पारिया पणिया उपरे प्रश्न उठी तेज राज्य सरकार ये योजना सब करते साधारण गरीब लोकटे तार हक उचित बा उन्नत मान स्वास्थ्य पाइबापी जो वंचित होती योजना सब क्या तो सीधा सब चित्र देखु थे आज से ही भाई से जी संग्राम कर मृत्यु सहित जो व्यक्ति अच्छा ग्रामर तो सीधा सब देखु थे ये मृत्यु सहित संग्राम कर स्वास्थ्य विभाग को बांकी प्रशासन को अपेक्षा कर बस केवे बांकी प्रशासन आसव दुख बुझ एटू सी उचित चिकित्सापी उन्नत चिकित्सापी बड़ मेडिकल को जब एबे सुधा भी बांकी प्रशासन ये पहुँची ना दीर्घ दुई घंटा रु तीन घंटा पर्यंत ये रास्तार पड़ रही ये ग्राम युवक मैंने ग्रामर बोतलमा ग्रामर युवक मैंने रास्ता रोक कले प्रसारण प्रत्येक गणमाम सर तथा एपर्तन बांकी प्रशासन निद भांगी तो सीधा सड़क देखु थे एवं भाई सहित टी आलोचना करवा से कौन कौन आज्ञा के पड़े छु आज्ञा छोटा पड़ी तो छट फट हो गोड़ हाथ हाथ बाटी चटे हो कथा कह पानी बाटी टाँटी बाटी सुखी जाऊँ आ कौन करी तो पड़ की रही पूर्व किए आसते ना या पूर्व आप किए किए आसते पूर्व किए किए आई आई बांकी एम एल आप आसते ना उपजिला आसते ना तो आपन को एपर जंत कोनी सरकारी सहाय्य मिली नै नै खाली सरपंच आइ थेला आ के तो कोन प्रतिशत सरपंच देले हैं सरपंच कोन प्रतिशत देले को पैसा देले एते मेडिकल पठे देले मेडिकल गोटे दिन जाय के ऑपरेशन करले देखिले कोन ऑपरेशन कर दे के जो गोडटा को खाली रे कलाई हबो ने ऑपरेशन हबो कटा हबो एते कहि के विदा कर देला हम को पड़े आइलु आ को आसिकी तो पड़ी चार पाँच मस चार तीन मस ड्रेसिंग फेसिंग किसी ना औषध ना कि ना मुझे हाथ ड्रेसिंग कर रही कि ना शुणुले सीधा सड़क भाई आम आलोचना करूँ प्रशासन सबू जाणी बांकी स्वास्थ्य विभाग कथा जो आम कह एस डी एम कथा कह बांकी मेडिकल यू मात्र 10 किलोमीटर दूर होते उपजिलापाल एपर्तंत कौन सी निर्देश देले ना जो ये बड़ मेडिकल जाटर फेरिकी आसान बाहर कर दि जाए तेज क्या निर्देश कटक बड़ मेडिकल एभली परिस्थिति एभली असहाय लोक किए फेरला ता सम प्रश्नवाची तेज आम सहित आज किसी भाई मैंने जोड़ी ग्राम ग्रामर युवक मैंने जोड़ी जो मैंने आज ये रास्ता रोक कर न्याय देवाई उचित बा उन्नत चिकित्सापी जे दाबी रखिंट रास्ता रोक कर आलोचना कराया भाई कौन कह आज घटना को नहीं भाई देखो सी जन असहाय व्यक्ति तो आम प्रशासन को जनईलु सरपंच ठू धरिकी सब कलेक्टर ठू धरिकी हेल्थ डिपार्टमेंट समस्ते एक जानते अथच एत दिन हो मस सी पड़ा कि आक्शन नौ ना बहुत फोर्स करवा से मैंने मेडिकल नहीं कि मेडिकल आम जनईलु से अनाथ से जो अनाथ कहीं नहांती कहीं भी पचार ना असहाय व्यक्ति जड़े कि मेडिकल फेरेदेले कौन सी प्रकार चिकित्सा देना आई दिन सी प्रतिश्रुति आमको प्रतिश्रुति भी देते जेपर्यंत ऑपरेशन होबार अच्छी आर्व ड्रेसींग ना ड्रेसींग ऑपरेशन कौन सी प्रकार सहायता दि जाऊना तार चिकित्सा करने कहा कौन सी प्रशासन कौन सी पदक्षेप नहीं नौना कहीं भी कहार कार्य ठीक करूना आज्ञा अंध हो जाए तो कौन मुख्य दाबी आप रही बर्तन आमर मुख्य दाबी आज्ञा तार चिकित्सा हाँ निहाती जरूरी एवं ही आम चाहूँ आम एवं ही चाहूँ एवं ही तार ऑपरेशन हो कि जहाँ भी ट्रीटमेंट हो तार मिलवा दरकार
ସେ ଜଣେ ଅନାଥ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାକୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଆମେ ବାସ୍ ଏତିକି ଚାହୁଁଛୁ। ଏବେ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ 5-6 ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ତାକୁ ଧରିକି ବସିଲୁଣୁ, ସେ ନିଜେ ଏଇ ରୋଡ଼କୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆଇଛନ୍ତି ନିଜେ ମରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଏମିତି ନ ମରିବେ ଏମିତି କାହିଁକି ନ ମରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର ଦେଖା ଅଛି କି? ଏତିକି କହିବୁ କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ଘଣ୍ଟାର ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ କି ସରପଞ୍ଚ କି ML କେହି ବି ଆସିନାହାନ୍ତି ଏଠିକି, କି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର କେହି ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଲୋକକୁ ଆମର ଦାବି ଏତିକି ରହୁଛି କି ପ୍ରଶାସନ ଏ ଲୋକକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଆଉ ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁ, ଆଉ ତାକୁ ଏ ଲୋକଟିକୁ ଭଲ କରୁ। ଏତିକି ଶୁଣୁଥିଲେ, ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଗ୍ରାମର ଯୁବକମାନେ। ତ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଚିକିତ୍ସାର ଅବହେଳା ହେଉଛି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ରୋଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ୟାଠୁ ବଳିକି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଜିନିଷ ଏ ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ହିଁ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ, ବାଙ୍କି ପ୍ରଶାସନ, ବାଙ୍କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଛନ୍ତି, 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜକୁ ହରେଇ ବସୁଛନ୍ତି ବା ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଠିକ୍ରେ ତୁଲାଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ରୋଗକୁ ଭଲ ନ କରିପାରି ଆଜି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ରୋଡ଼କୁ ଆସି। ତ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ବାଙ୍କି ପ୍ରଶାସନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଅସହାୟ ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ, ତେବେ ଯୋଜନା କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି? ଏ ବୋତଲମା ଗାଁର ନବଦେଉରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବାଙ୍କି ବୋତଲମା ଗ୍ରାମରୁ କାନୁଚରଣ ବିଭାଗ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।